वेलकम स्टूडेंट्स, सब तो पहला आप सब नू मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 8th क्लास का जेड़ा NMMS का पेपर होना है उसकी तैयारी दे 2019 के पेपर दे विच्चों जो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस ने पहले 15 या 16 क्वेश्चन जो नंबर सीरीज़ के होंगे ने उन्होंने करांगे सोल्व। तो आने पहली क्वेश्चन पर, हाँ जी, आप जी सीरीज़ है कंप्लीट करनी है। सीरीज़ देखते हैं किस तरह की है या किहड़ा पैटर्न फॉलो हो रहा है। 6 है, फिर है 11, फिर 21, 36, 56। हाँ जी, पहला आप सब तो पहले इनका डिफरेंस ही देखते होंगे। इतने डिफरेंस है 5 का, 6 ते 5 11, 11 तो बाद डिफरेंस है अपने को 10 का, फिर है डिफरेंस अपने को 15 का, फिर है अपने को डिफरेंस 20 का। यदा मतलब तुम हम पैटर्न समझ के होने कि 5-5 वधा के है जो फर्क वह पै रहा है, इट मीनस अगला जो डिफरेंस होएगा वह 25 का होना चाहिए है। सो 56 दे विच 25 नूं ऐड करांगे तां 6 5 11, 5 2 7 1 8, 81 इज द नैक्सट टर्म बननी चाहीदी है जो कि अपने कोल थर्ड ऑप्शन दे विच पिया है। अगे आने दूजे क्वेश्चन ते। दूजे क्वेश्चन दे विच अपने कोल सीरीज़ है 2 3 5 7-13। हाँ जी, आपां ध्यान नाल देखिए तां यह सारे ने प्राइम नंबर, इहदा मतलब 7 तो बाद अगला प्राइम भी इहदे विच आना चाहीदा है। प्राइम नंबर यानी अभाज संख्यावां। सो 1 तो लैके 100 तक घट्टो घट तुहानू सारियां अभाज संख्यावां यानी कि प्राइम नंबर्स ने जिहड़े उह पता होने चाहिए ने, क्योंकि इस तरह का जिहड़ा डायरैक्ट क्वेश्चन आ जाए जेकर तुहानू प्राइम नंबर्स पता होणगे तां तुहानू तुसीं बहुत ईजली उसनू सोल्व कर सकते हो। सो कोई कैलकुलेशन नहीं, बस इहदा 11 आंसर बन जाएगा। नैक्सट दे विच देखदे हां की पैटर्न है। 3 तो बाद 6, 6 तो बाद 10 तो बाद 15, 15 तो बाद 21। हाँ जी, पहला 3 दे विच 3 जोड़े, फिर 6 दे विच 4 जोड़े, 10 मिल गया, 10 दे विच 5 जोड़े, 15 मिल गया, 15 दे विच 6 जोड़े, 21 मिल गया। हाँ जी, तुसीं समझ गए होणे पैटर्न की है, गिणती है जिहड़ी उह वधदी जा रही है। तो अगली बार 6 दी बजाए आपां नूं 7 जोड़ के आंसर मिलना चाहिए है, तो 21 ते 7 हुंदे ने अपने कोल 28। सो 28 होना चाहिए इसका आंसर। हाँ जी, नैक्सट दे विच अपने कोल नंबर ते अल्फाबैट दे विचों जिहड़े लैटर्स ने उहनां दी मिक्स सीरीज़ आ गई, तो इनू देखते हैं। हाँ जी, अपने कोल है डी, डी तो बाद ई छड़ के एफ, एफ तो बाद जी छड़ के एच, एच तो बाद आई छड़ के जे, जे तो बाद के छड़ के एल आना चाहिए। सो ऐसी ऑप्शन इक्को ही है जिहदे विच एल आवे, सो चौथा ही बनना चाहिए अपने कोल आंसर। वैसे आप अगे वाले नू भी देखते हैं, 4 16 36 64। हाँ जी, ये की ने, ये 2 का स्केयर, ये 4 का स्केयर, फिर 36 हैगा 6 का स्केयर, ये 8 का स्केयर, यदा मतलब इस तो बाद 10 का स्केयर यानी कि 100 आऊगा नाल। सो आपां नूं एल तो ही पता लग गया सी कि की आंसर है। सो पहला तो तुसी इस तरह की ऑप्शन लभनी है जिहदे विच तुहानूं अद्धा क्वेश्चन सोल्व करके ही आंसर मिल जाए। हाँ, जेकर ज़्यादा ऑप्शन दे विच एल हुंदा तां आपां बाकी का पार्ट भी सोल्व करके देखांगे। हुण इहदे विच डायरैक्टली 4th आंसर ही अपना बन जाना सी, सिर्फ आपां लैटर्स नूं ही देखदे तां वी। हाँ जी, अगे आने आप 5th क्वेश्चन ते। इहदे विच देखदे हां सीरीज़। हाँ जी, इहदे विच अपने कोल 2 सीरीज़ मिक्स ने, 3 तो बाद 6, 3 जोड़ के, फिर 6 तो बाद 9, 3 जोड़ के, फिर 9 तो बाद 12, 3 जोड़ के। दूजी सीरीज़ है जिहड़ी 5 ते 4 9, फिर 9 दे विच 4 जोड़ के 13, तो इहदा मतलब अगे भी 4 जोड़ के अपने कोल 13 ते 4 17 ये आंसर मिल जाना चाहिए है। सो कई बार इस तरह का पैटर्न भी फॉलो हो रहा होंगे जिहदे विच अपने कोल 2 सीरीज़ मिक्स होंदियां ने। सो इस तरह के क्वेश्चन का ध्यान रखना है। हाँ जी, अगले तो 6th क्वेश्चन पर आने फिर आप। हाँ जी, तो ये है अपने कोल 2 3 7, इन्हों वक्रा देखांगे, 4 5 21 वक्रा, 6 7 43 वक्रा, तो 8 9 इत्थे क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, 3 × 6 + 1, 3 × 2 + 1, 7 मिल गया, फिर इस तरह 5 × 4, 5 × 20 + 1 = 21, फिर इस तरह 7 × 6 = 42 ते 1 = 43। इहदा मतलब हुण पैटर्न क्लीयर हो गया, इन्हां नूं मल्टीप्लाई करांगे उह च 1 जोड़ांगे, 8 × 9 = 72 ते 1 = 73। सो 73 यानी कि थर्ड ऑप्शन इस दे लई करैक्ट ऑप्शन बनेगी। हाँ जी, अगले अपने कोल जिहड़ी सीरीज़ है उहदे विच अपने कोल लैटर्स आ गए ने, ते लैटर्स किस तरह ने, लास्ट लैटर फस्ट लैटर, पिछों दी दूजा अगों दी दूजा, पिछों दी तीजा अगों दी तीजा, तां पिछों दी चौथा अगों दी चौथा, तां अगों दी पंजवां, अपने कोल ई आएगा, इट मीनस
ते ई सिर्फ इक्को ऑप्शन दे विच है तां दूजा ही अपना सही आंसर बनेगा। जेकर पिछों दी भी गल करिए तां अपने कोल जिहड़ा पंजवां है ओह आ जाएगा अपने कोल वी, जो कि पिछों दी पंजवां है, सो वी ई ही अपना सही आंसर बनेगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन ते आने हैं, 8th क्वेश्चन ते। हुण आपां KM5 IP8 GS11 EV14, हाँ जी, ये विच आह 5 3 8 3 11 3 14 3 वध रहे ने, तां इत्थे आएगा 17। सो सारियां ऑप्शन विच 17 है, सो इट मीनस इत्थों आपां नूं आंसर नहीं मिलिया। अगले पोर्शन नूं सोल्व करके देखदे हां। हाँ जी, ई तों जी एक लैटर विचकार छड के, जी तो बाद एच छड के आई, आई तो बाद जे छड के। हाँ जी, इट मीनस ई दे पिछे वाला डी नहीं आएगा, डी तो पहला वाला अपने कोल सी आएगा इत्थे, क्योंकि सी तो बाद एक डी छड के ई आएगा अपने कोल। सो इत्थे सी मिल गया। हुण दो ऑप्शन दे विच सी है, इट मीनस दूजे लैटर नूं भी देखना पएगा आपां नूं, एम एन ओ छड के पी, फिर क्यू आर छड के एस, टी यू छड के वी, ते डबल्यू एक्स छड के वाई आएगा अपने कोल फिर इत्थे। सो सी वाई 17 यह आ जाएगा अपने कोल इसका आंसर। सो ये जड़े आप क्वेश्चनस सोल्व कर रहे हैं, इन्हों चंगी तरह कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयरस के पेपर के जो क्वेश्चन आए होंगे ने कई बार वो रिपीट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन 2020 के पेपर के भी रिपीट होया हो। हाँ जी, अगले 9th क्वेश्चन पर आने ए जैड, ए फस्ट जैड का नंबर होंगे 26, 26 तो एक दोनों का जोड़ हो गया अपने कोल 27। इस तरह जी ते टी, जी का नंबर होंगे अपने कोल 7, तो टी का नंबर होंगे अपने कोल 20, सो 7 + 20 उतों भी 27 बन गया। इस तरह एम ते एन की पोजिशन होंगी अपने कोल 13 ते 14, सो 13 + 14 करके 27 आ गया। सो सारे केसिस जो लैटर्स ने उन्हों की जी पोजिशन है इंग्लिश अल्फाबैट के जोड़ करके 27 बनता पै। सो हम आप देखा इन्हों चो कि जेडे पेयर है उहदे विच लैटर्स की पोजिशन का जोड़ करके 27 आता है। जे ते एच की गल करिए जे का नंबर होंगे 10 ते एच का 8, सो ये तो बनेगा अपने कोल जोड़ करके 18, सो ये तो अपना आंसर नहीं बन सकता। सैकेंड नूं देखते हैं, एस ते एच, एस का नंबर होंगे 19 ते एच का नंबर होंगे अपने कोल 8, सो 19 ते 8 नूं जोड़ के 27 आ जाएगा। सो दूजी ऑप्शन अपनी करैक्ट ऑप्शन बनेगी, बाकियों का भी तुसीं जोड़ करके देख सकते हो कि 27 नहीं बनेगा उस केस दे विच। हाँ जी, अगे आने फिर 10th क्वेश्चन पर, 2 5 9 19 37, हाँ जी, इन्हों देखते हैं। 2 तो बाद 5 2 × 2 + 1 तो मिलता है 5 2 × 4 = 5, फिर अगे 5 तो 9, 5 × 2 = 10, उस एक घटाए तो आता है 9, अगे 9 तो 19, 9 × 2 + 1 तो मिलता है 19, फिर अगे 37, 19 × 2 = 1 घटा के मिलता है अपने कोल 37। हाँ जी, पैटर्न पता लग गया, डबल करना नंबर का, पहला एक जोड़िया फिर एक घटाया फिर डबल करके एक जोड़िया फिर डबल करके एक घटाया, हुण 37 का डबल करके एक जोड़ांगे तो 37 × 74 = 75 बनेगा इसका आंसर, जो कि पै दूजी ऑप्शन दे विच। सो दूजी ऑप्शन इस दे लई होएगी करैक्ट ऑप्शन। हाँ जी, अगे आने आप 11 तो 16 क्वेश्चनस से, जिन्हों के आप ओड टर्म यानी कि अलग है जोड़ा या गलत है वह लभना है। सो 11th क्वेश्चन देखते हैं, 50 52 55 60 64 70, पहला 2 ऐड होए फिर 3 ऐड होए, तो अगली बार इन्होंने 5 ऐड करते, तो जेकर आप 4 ऐड करते तो 55 ते 4 59 होने से, 59 के फिर 4 तो बाद 5 ऐड करते तो 59 5 64 हो जाते, 64 ही आ रहा है, फिर 64 के 5 की जगह 6 जोड़ के 70 आ जाना सी। सो अपने कोल आ पैटर्न चल रहा, पहला 2 जुड़े फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 इस तरह जुड़ने चाहिए सी, तो 55 तो बाद 4 ऐड करके 60 नहीं 59 मिलना चाहिए सी, पर इन्होंने 60 लिखा हुआ, यदा मतलब यही अपने कोल गलत टर्म है। सो तीजी ऑप्शन इस दे लई सही ऑप्शन बनेगी। अगे 12th नूं देखदे आ, 83 73 63 53 43। हाँ जी, ये यह जे सारे ने अपने को चारों दे चारों यह ने प्राइम यानी कि अभाज संख्यावां, फिर आ गई अभाज संख्यावां, तो जोड़ा 63 है यह अभाज नहीं हुंदा, नोट अ प्राइम, क्यों, क्योंकि यह 9 × 7 तो मिल जाता है, तो इस करके यह है अपने कोल भाज
यानी कि कंपोजिट, तो यही फिर सारे तो अलग है। सो 63 बनेगा इसका आंसर। 13th क्वेश्चन ते आने, हाँ जी, ये 8, 27, 64, 125, 216, 343 की ने, हाँ जी ये क्यूब्स ने। तुसी पहले 15 तक क्यूब याद कर लेने ने, वो भी तुहाडे काम आणगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता उन्होंने उत्ते। सो 8 है जिहड़ा वह हुंदा है अपने कोल 2 का क्यूब, मैं इत्थे लिख लैंदा। तो उस तो बाद है अपने कोल 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 यह है 5 का क्यूब, 216 6 का क्यूब, 343 है 7 का क्यूब। सो इना दे विच तां क्यूब ही ने लगातार, इना दे विच कोई भी ऑड नहीं है, कोई भी अलग नहीं है। हाँ स्टेटमेंट दे विच किते प्रॉब्लम है, इना सारे क्यूब्स देण दी बजाय किसी एक जगह ते ओह क्यूब ना दे के कोई होर नंबर दे दिंदा तां ओही अपना अलग ऑप्शन बननी सी। फिलहाल इहदे विच कोई भी गलती नहीं है। सो इस तरह की स्टेटमेंट कई बार गलत भी आ जाती हुंदी है, सो तुसीं ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करके आना है क्योंकि जे रोंग क्वेश्चन होएगा वो मार्क्स तुहानू जरूर मिल जाएंगे। हाँ जी अगले 14 ते आने फिर आपां ई जी एच जे के एम, हाँ जी ई तो बाद एफ छड के जी, एच तो बाद आई छड के जे। सो इस तरह एक एक लैटर छड रहे हैं, के तो बाद एल छड के एम, एन तो बाद ओ छड के अपने कोल पी आना चाहिए सी, एन पी बनना चाहिए सी जबकि एन ओ दिता होया। सो यही है सारे तो अलग, सो चौथी ऑप्शन इस दे विच्चों करैक्ट ऑप्शन होएगी। 15th क्वेश्चन ते आने 6, 12, 6 ते 12, 6 दा डिफरेंस, 12 दे विच फिर 8 जोड़िए 20, 20 दे विच 10 जोड़िए तां 30, 30 तो बाद फिर हाँ जी पहला 6 फिर 8 फिर 10, इहदा मतलब हुण 12 जुड़ने चाहिए सी, 12 जोड़ के 42 मिलना सी, 42 दे विच 14 जोड़ के आ जाना सी 56, फिर उस 16 जोड़ के आ जाना सी 72। हाँ जी अपने कोल 56 ते 72 20 हैगे ने, तो इहदा मतलब अपने कोल इत्थे 42 ही होना चाहिए सी, जिहदी जगह दित्ता होया आपां नूं 40, सो 40 ही इहदे विच अलग है। सो तीजी ऑप्शन अपने कोल इसका बनेगी आंसर। 16th क्वेश्चन ते आने, इन्हां चारां दे विचों अलग नूं चुणना है, कोपर जिंक आयरन ब्रास। कोपर तांबा, जिंक जिंक ही हुंदा, आयरन लोहा, ते ब्रास हुंदा अपने कोल पित्तल। तां इन्हां दे विचों पित्तल है जिहड़ा इह अलग है, क्यों अलग है, क्योंकि बाकी दियां तिन्नों ने जिहड़ियां जिंक आयरन ते कोपर इह ने मैटल्स अपने कोल यानी कि धातां, ते जिहड़ी पित्तल हुंदी है इह हुंदी है अपने कोल मिश्रत धात एलॉय, जिन्हों असीं एलॉय बोलते हाँ। सो यह धात नहीं है, मिश्र धात है, इस करके यही सारे तो अलग है। सो तीजी ऑप्शन इसका बनेगा आंसर। सो स्टूडेंट्स इस दे नाल ही 2019 दे क्वेश्चन पेपर दे विच्चों सीरीज़ कंप्लीशन दे ते ऑड वन आउट दे क्वेश्चन हुंदे ने कंप्लीट। मैं उम्मीद है जो अज आपां इह क्वेश्चन सोल्व किए ने तुहानू चंगी तरह समझ आ गए होणगे, ते तुसीं इन्हां तों अपने आने वाले टैसट दे विच जरूर हैल्प लओगे। वीडियो चंगी लगी होए तां इसनूं लाइक करना ते अपने होर फ्रेंड्स ते स्टूडेंट्स दे नाल शेयर जरूर करना, ते वीडियो नूं लास्ट तक देखने लई तुहाडा सारिआं दा थैंक्स।